केंद्र सरकार आने वाले दिनों में पोषण से भरपूर धान, सोयाबीन, मटर और मक्का सहित 21 फसलों की नई किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेगी। इससे किसानों की कमाई बढ़ाने के साथ ही कुपोषण की लड़ाई में भी मदद मिलेगी। पिछले साल ग्वार में हरा तेला व सफेद मक्खी ने किसानों को काफी परेशान किया था। पिछली बार यह समस्या हिसार जिले के कई गांवों में चौधरीवास, कालावास, देवान, चिदौड़ आदि गांवों में हुई थी। यह धीरे धीरे करके और गांवों में किसानों के खेतों में फैलना शुरू हो गई। इस बात को ध्यान में रखकर ग्वार की फसल में बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। धान के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार मक्के भी खुली बाजार में बेच रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने 2800 टन से ज्यादा मक्का बेचने के लिए टेंडर जारी किया है। धान खरीद के सीजन से पहले ही हरियाणा सरकार ने राइस मिलर्स, राइस एक्सपोर्टर्स और अन्य धान खरीदारों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान घटाई मार्केट फीस को एक बार फिर 0.5% से 2% कर दिया है। मध्य प्रदेश कभी सोया राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन होशंगाबाद जिले के किसान अब सोयाबीन नहीं बोना चाहते हैं। वे कहते हैं कि लगातार घाटे और मौसम की मार से अब सोयाबीन बोना खतरे से खाली नहीं है। बिहार के छपरा के सारण की दोमट मिट्टी मक्के की फसल के लिए उपयुक्त है, लेकिन तूफानी कहर व झमाझम मानसूनी बारिश किसान की राह में अड़चन बनती नजर आ रही है। यहां मक्का का अच्छा दान लक्ष्य 29,000 हेक्टेयर भूमि में खेती करने का था और अब तक सिर्फ 13,650 हेक्टेयर भूमि में ही मक्के की खेती हो सकी है। निर्यातकों को समर्थन देने के लिए वित्त मंत्रालय ने निर्यात बीमा कवर को 88,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए ECGC में 5 साल तक इक्विटी डालने का प्रस्ताव दिया है। शिकागो एक्सचेंज में 2% की सुधार और सोयाबीन के तेल रहित खल यानी DOC की मांग निकलने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को सोयाबीन तेल सहित अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया। दुनिया भर के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और मधुमेह रोधी गुणों के कारण देश से पहली बार जामुन का लंदन को निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश से लंदन में जामुन की पहली सफल खेप के निर्यात ने निर्यातकों और किसानों के इस स्वदेशी फल की खेती एवं व्यापार की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। लिक्विड यूरिया को देश के किसान हाथों हाथ खरीद ले रहे हैं। यही कारण है कि लॉन्चिंग के बाद लगातार इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है और सहकारी खाद संगठन इफको नैनो यूरिया की खेप किसानों के लिए रवाना कर रहा है।